बदायूं से खबर है, जहां तहसील बिसौली में तैनात एसडीएम विजय कुमार मिश्र के नाम से बीते कई दिनों से एक व्हाट्सएप चैट वायरल हो रही है, जिसमें कई वाहनों के नंबर लिखे हुए हैं, जिसमें एसडीएम पर आरोप लगे हैं कि वह खनन करने वाले ट्रक मालिकों से पैसे की वसूली करते हैं। आइए आपको बताते हैं कि ये बात कितनी सही है और कितनी गलत है, ये आप खुद देख लीजिए। पहले तो आप इस वायरल व्हाट्सएप चैट वीडियो को देखिए, जो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसे भारत समाचार ने भी बिना पड़ताल किए टीवी पर प्रकाशित भी किया है, सिर्फ अपने रिपोर्टर के भरोसे पर। स्क्रीनशॉट मोबाइल से लेकर इस वीडियो को बनाया गया है। अब आपको दिखाते हैं इस वीडियो की सच्चाई के पीछे का राज। एडिटिंग नंबर वन, जहां पर मई 24, 2023 इस फोटो के ऊपर होना और स्क्रीनशॉट लेकर वीडियो को वायरल करना। इस वाहन के नंबर लिस्ट पर नीचे एक भी टिक ना होना इस बात को दर्शाता है कि चैट के साथ एडिटिंग की गई है। एडिटिंग नंबर टू, अधिकारियों को कंफ्यूज कर खुद से इन फोटो को भेजना और फोटो के ऊपर जून 9 2023 का होना इस बात को दर्शाता है कि एडिटिंग की गई है। एडिटिंग नंबर थ्री, एसडीएम नाम एडिट कर प्रोफाइल के बराबर में पेस्ट करना किसी एडिटिंग ऐप से। ये आप गौर से देखिए कैसे ये दोनों कलर अलग अलग हैं, जबकि इसका कलर एक होना चाहिए था। यह इस व्हाट्सएप चैट की सबसे बड़ी सच्चाई है, जो एसडीएम बिसौली विजय कुमार मिश्र पर लगे रिश्वत के आरोप को खारिज करती है कि एसडीएम बिसौली ने किसी से भी खनन के वाहनों के नंबर की लिस्ट से कोई लेन देन नहीं है। आपको बताते चलें कि एसडीएम की ये हैंड राइटिंग भी नहीं है और एसडीएम बिसौली प्रोफाइल आइकन के जस्ट ऊपर देखिए बिलर का होना और नीचे भी बिलर का होना, यह वीडियो में देख सकते हैं, ऊपर और नीचे बिलर है। इस बात का होना इस बात को साबित करता है कि व्हाट्सएप चैट एसडीएम बिसौली की नहीं बल्कि इस चैट को बनाया गया है। आपको बताते चलें कि स्क्रीनशॉट एसडीएम बिसौली के व्हाट्सएप अकाउंट के अबाउट का है, जो व्हाट्सएप अकाउंट के अबाउट में से लिया गया है, जो एकदम सच है। इस वीडियो में के अंदर 6 स्क्रीनशॉट लिए गए हैं, जिसे वीडियो में किसी ऐप की मदद से जोड़ा गया है और वीडियो बनाई गई है। इसी के कारण जो वीडियो है ये झटके ले लेकर चल रही है और बिसौली एसडीएम विजय कुमार मिश्र को बदनाम कर बिसौली से हटवाने की नाकामयाब कोशिश दिखाई दे रही है। सेकंड वीडियो अवैध खनन करने वाले व्यक्ति और पत्रकार विपिन यादव का है, जिसमें अवैध खनन करने वाले शख्स ने एसडीएम बिसौली पर रिश्वत लेने और आरोप लगाए हैं। आपको बताते चलें कि पत्रकार और खनन करने वाले शख्स ने और व्यक्ति ने मिली भगत से वीडियो कार के अंदर शूट किया गया है और कैमरे से पत्रकार ने खनन करने वाले शख्स का आधा फेस लिया है और बीच बीच में अपने प्लेन के अकॉर्डिंग फोन की रिंगटोन भी बजाई गई है, जिससे ये वीडियो देखने में ओरिजिनल लगे। कैमरे को छिपाकर वीडियो बनाई गई है। इस वीडियो की सबसे बड़ी कमी, वीडियो में पत्रकार विपिन यादव की वॉइस है और स्टार्टिंग में ये पत्रकार साहब कहते हैं कि आप तो हमें जानते नहीं। खनन करने वाले शख्स से कहते हैं। इसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि ये अनजान और जान न पहचान होने के बावजूद भी दोनों कितने इंटरेस्ट से एक अधिकारी के ऊपर कितने गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आते हैं। हमारी पड़ताल में एसडीएम बिसौली पर लगे आरोप असत्य पाए गए हैं। आपको क्या लगता है, एसडीएम पर लगे सारे आरोप सत्य हैं या असत्य? आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। आप तो हमें जानते नहीं हो।
अभी बताओ तुम्हारे क्या ट्रक चल रहा है, तो तुम्हारा रोज झाड़ पड़ेगा ठीक नहीं है, तो मैं से पहले पूछ तुम्हारा क्या ट्रक चल रहा है। अपने परिवार के हैं करीब 12-13-14 ट्रक है। 13-14 ट्रक कहाँ से लाते हो? वो बाजपुर से लाते हैं। क्या कहता है उसमें? वो बजरफुट आता रहता जिसको बोलते हैं, और 10-20 गिट्टी यही। तो अच्छा, तो अंडरलोड लाते हो ओवरलोड लाते हो? हम लोग ओवरलोड लाते हैं भैया। अच्छा, ओवरलोड उसी का पैसा जाता है इनको? उसी का पैसा जाता है। किस किस को जाता है? पुलिस थाने को जाता था पहले, आई थी तो अब आके ये तंग कर रहा है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं थी इधर। तो एसडीएम की एंट्री थोड़ी हुई? एसडीएम की एंट्री फिलहाल तो हमने डायरेक्ट ही दी है। एसडीएम बहुत शैतान है, डायरेक्ट ही दी है। डायरेक्ट? डायरेक्ट ही लिए। और किस लिए? डायरेक्ट लिए। डायरेक्ट ही लिए। किस लिए? एसडीएम ने सीधे तो सीधे वहाँ पे अपने गेस्ट हाउस में लाके बात करता। कौन से एसडीएम? बिसोली एसडीएम ही तो। बिसोली ये वाला जो नए आए अभी? जो नए आए सहजवान से आए, इन्होंने सहजवान में हमारी गाड़ी बंद कर दी। 10,000 की एंट्री थी, एंट्री के बावजूद भी गाड़ी बंद करके हमारी 2.5 लाख रूपये में गाड़ी छूटी। 2.5 लाख रूपये आपसे? और हमसे कहा भी 10,000 लेते थे। उन्होंने कहा 10,000 रूपये अगर तुम नहीं दो तो गाड़ी में चलाना। हम नहीं गए भैया उधर को। 10,000 रूपये पर महीना? पर महीना। फिर हम नहीं गए गाड़ी का। अब यहाँ पे भी बहुत बड़े मोटे पैसे लिए उन्होंने। अब हमारी गाड़ी हुई है 15 तारीख से चालू। 15 तारीख से अब के भी पूरे पैसे मांग रहे हैं, 15 दिन के ही पूरे पैसे मांग रहे हैं, 30 दिन के। बोले मैं मना वसूली कर रहा हूँ, बहुत बदतमीज आदमी। क्या बात है। तो कितने रुपए ले रहे हैं? कितने रुपए गाड़ी? 6,000 रुपए गाड़ी के हिसाब से। 6,000 रुपए? तो नंबर भेज दिया कैसे है? नंबर यहाँ सब भेज दिए, नंबर उम्बर भेज दिए, इनके सामने निकल जाती है गाड़ी। नहीं तो लिस्ट भेजी होगी? हाँ लिस्ट भेज दी, इनको बता दिया, उन्होंने अपने डायरी में नोट कर लिया नंबर। उन्हें कैसे पता पड़ती है? लिस्ट में डालते हो कैसे? क्या मैं उनको नंबर बता देते हैं ना, ये नंबर की गाड़ी है। तुम्हारी क्या गाड़ी है? अपनी है 11 गाड़ी थी, अपनी 11 गाड़ी को 66,000 रुपए दे दिए हमने। 66,000 कल परसों देख लिया। किसको दिए थे? इन्हीं को दिए थे। सीधे ले लिए तो 11 का होता तो यार बहुत ज्यादा।